उत्सव केवल बिहार के जन्म दिवस का ही नहीं है, हर बिहारी में बसे बिहारीपन का भी उत्सव है। ये वक्त न केवल हमारी प्राचीन और समृद्ध विरासत को याद करने का है, बल्कि ऐतिहासिक गौरव गाथा के गान पर झूमने का भी है। राजधानी इसी उत्सव में रंगीन हुई है। अगले 3 दिनों तक राजधानी में जश्न भी मनेगा और उल्लास का प्रदर्शन भी होगा। गांधी मैदान से लेकर दानापुर तक और लड़ाक बंगला चौराहे से एयरपोर्ट तक बिहार दिवस का ये उल्लास दिख रहा है। बिहार दिवस समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू होंगे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल सत्यपाल मलिक, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के बिहार दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पहल पर इसकी शुरुआत की गई और बहुत ही धूमधाम से इसका आयोजन होता रहा है, इस बात भी हो रहा है और ये कहते हुए मुझे गर्व होता है कि कल के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के उपराष्ट्रपति महामहिम जी पधार रहे हैं। तो बिहार दिवस पर रोशन है पूरा बिहार, और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर और देश के कई हिस्सों में भी बिहार दिवस की धूम है। वहां भी जहां भी बिहारी ज्यादा तादाद में हैं, वहां पे बिहार दिवस को अलग ही तौर पे मना रहे हैं। इंग्लैंड से भी ऐसी खबर हमें मिली जहां पे बिहार दिवस को एक अलग ही तौर पे मनाया जा रहा है। और फिलहाल ये पटना के गांधी मैदान की इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बिहार का गांधी मैदान का ये पटना ये कैसे सजधज कर तैयार है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यक्रम, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 3:35 पे पहुंचेंगे पटना एयरपोर्ट और उनका स्वागत होगा, परिचय और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 4:30 शाम से 6 बजे शाम तक कार्यक्रम है, यानी उद्घाटन समारोह जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। गांधी मैदान में आयोजित चंपारण शताब्दी समापन समारोह में शामिल होंगे। 6:25 पे शाम में पटना से दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। बिहार दिवस में क्या क्या कार्यक्रम है ये एक बार हम आपको बताते हैं। बिहार दिवस का उद्घाटन समारोह 4 बजे गांधी मैदान पटना में बिहारी कलाकार पेश करेंगे लोक संस्कृति कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक, बिहार गौरव गान की प्रस्तुति, नृत्य नाटिका। 5:30 गांधी मैदान में इंडियन ओशन बैंड का कार्यक्रम, 6:30 गांधी मैदान में लखविंदर वडाली का सूफी गायन, शिखा खरे के नृत्य की प्रस्तुति, एसके मेमोरियल हॉल में 6:30 कैसे पहुंचेंगे गांधी मैदान समारोह स्थल, यह भी हम आपको बता दें क्योंकि ट्रैफिक में भी तब्दीलियां की गई है क्योंकि उपराष्ट्रपति आने वाले हैं बिहार और उसको लेकर जो अलग से तैयारियां हैं और आप किन किन इलाकों से जा सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। गेट नंबर 1 से उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएम, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री प्रवेश करेंगे। अन्य मंत्रीगण और महत्वपूर्ण व्यक्ति गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 से प्रवेश करेंगे। मीडिया कर्मियों के लिए गेट नंबर 4 से प्रवेश करने की परमिशन है। ओवी वैन गेट नंबर 0-12 से प्रवेश करेंगे। शिक्षा विभाग के कर्मी और अन्य प्रतिनियुक्त पदाधिकारी गेट नंबर 6, 7 और 10 से प्रवेश करेंगे। बिहार दिवस में भाग लेने वाले बच्चे गेट नंबर 7 से प्रवेश करेंगे। तो ये पुख्ता तैयारी है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो बिहार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी है। बिहारवासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक गौरवकर्षण और इस सिलसिले में प्रधानमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी है बिहारवासियों को बिहार दिवस के मौके पर। तो बिहार की बहनों और भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं, ये लिखा है प्रधानमंत्री ने। नीतीश कुमार ने भी अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने सभी को बिहारवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और सीधे हम पटना के गांधी मैदान का रुख करते हैं। इस वक्त रजनीश हमारे साथ लाइव हैं क्योंकि यहां पे वो तमाम तैयारियां जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता, शाम में कार्यक्रम होना है, उपराष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे, तो इस को लेकर खास तैयारियां की गई है। रजनीश, तस्वीरों के जरिए क्या कुछ दिखाएंगे आप ताकि जो दर्शक घर बैठे वो देख सके
कि आज पटना का गांधी मैदान इस ऐतिहासिक लम्हे के लिए किस तरीके से सज धज कर तैयार हुआ है। देखिए, बिहार दिवस को लेकर पटना का गांधी मैदान बिल्कुल दुल्हन की तरह सजकर तैयार है और पूरे गांधी मैदान में बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है और बिल्कुल कलरफुल तरीके से गांधी मैदान को सजाया गया है। अलग अलग तरीके से मंडप जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं। सांस्कृतिक मंडप है, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद का मंडप है, जन शिक्षा का मंडप है और ऐसे ही कृषि और उद्योग और तमाम सारे जो विभाग के मंडप है वो अलग अलग बनाए गए हैं, सजाए गए हैं। बीच में जो है एक बड़ा सा मंच बनाया गया है जिसमें कि संध्या को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अगर अभी की बात कर ले और साथ ही साथ शाम को चंपारण सत्याग्रह शताब्दी 2017-18 जो है वो यहाँ पे मनाया जाएगा जिसमें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शिरकत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली बिहार यात्रा है, इसको लेकर भी खासे उत्साहित है तमाम सारे लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मंच में यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन जो है वो अभी चल रहा है और कई सारे जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक है, चाहे वो स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे वो स्कूल चले हम की बात हो। तो यहाँ पे इस तरीके से जो तमाम सारे लोग जुटे हैं उनके बीच में एक जागरूकता अभियान नुक्कड़ नाटक के जरिए देने की कोशिश हो रही है और जगह जगह से कई सारे जो स्कूली बच्चे हैं वो इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। कुछ बच्चे हैं, हम उनसे जानते हैं, मधुबनी से ये बच्चे आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप बिहार दिवस के मौके पे? हम कहते हैं हमारा भारत बहुत आगे बढ़ गया, बहुत तरक्की की है, लेकिन क्या आपके सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी कितने लोग हैं जो अपने बेटियों के पढ़ाई के खिलाफ है। तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है, फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरतों की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? बेटियों के और महिलाओं के तरक्की और सशक्तिकरण को लेकर संदेश देती हुई ये स्कूल की बच्चियां जो है वो मधुबनी से आई हैं और ऐसे ही तमाम सारे यहाँ पे जो ट्रूप है वो पहुँच रहे हैं। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई जगह पे पूरे दिन जो है इसकी शुरुआत यहाँ पे गांधी मैदान में हो गई है। हालांकि औपचारिक शुरुआत जो है वो शाम को 4 बजे होगी, लेकिन गांधी मैदान में दिन चढ़ने के साथ ही रौनक जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। आज यहाँ पे छुट्टियां भी घोषित की गई हैं तो इसको लेकर भी बड़ी संख्या में आम लोगों की भागीदारी जो है वो देखने को मिलेगी और खासतौर पे शाम के समय में यहाँ पे जो रौनक होगी, जो लाइटिंग की गई है उसको लेकर खूबसूरत नजारा होगा, देखते ही बनेगा गांधी मैदान और इसके आसपास के चारों ओर का। इसके अलावा पटना में जितने भी सरकारी जो भी कार्यालय है उनको भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो कुल मिलाकर बहुत ही यहाँ पे रौनक है, उत्साह है, जोश के साथ बिहार दिवस जो है इसकी मनाने की तैयारी पूरी की गई है और अब बिहार दिवस की शुरुआत तो हो चुकी है। रजनीश, एक सवाल है। औपचारिकता है 4 बजे जिसे पूरी की जाएगी, लेकिन उत्साह जो है वो यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे किस तरीके से नुक्कड़ नाटक जो है उसका मंचन किया जा रहा है। भिखारी ठाकुर के गीतों के साथ भी कई सारे संदेश जो है वो यहाँ पे देने की कोशिश की गई थी और लोक संस्कृति के तहत यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के जरिए आम लोगों के बीच में जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन मुद्दों पर यहाँ पे कोशिश जो है चल रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। स्वच्छता अभियान, स्कूल चले हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम सारे जो बातें हैं इसको लेकर यहाँ पे संदेश देने की कोशिश नुक्कड़ नाटक के जरिए। और गांधी मैदान और पूरे बिहार में उत्साह का माहौल है और अलग अलग जिलों में अलग अलग जो प्रभारी मंत्री है वो वहाँ पर जाकर बिहार दिवस की शुरुआत करेंगे और सभी जिलों में इसका आयोजन जो है पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ किया जा रहा है। जी चलिए रजनीश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। हम आगे भी आपका रुख करेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे कि बिहार दिवस को लेकर गांधी मैदान किस तरीके से सज धज कर तैयार है और क्या थीम रखा गया है, ये भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। अब तस्वीरें जरा आप देखिए, इस गांधी मैदान की खूबसूरती देखिए कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों से जब बिहार दिवस मनाया जाता है तो हम सभी बिहार वासियों के लिए ये गर्व का क्षण होता है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बिहारवासियों को ट्वीट कर बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है, 106 साल बिहार ने पूरे कर लिए हैं। बिहार दिवस न केवल हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है बल्कि इसकी धूम विदेशों में भी देखने को मिल रही है। जी हां, इंग्लैंड के पटना में भी बिहार दिवस मनाया गया जिसमें इंग्लैंड में भारत के राजदूत वाईके सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस बिहार दिवस की थीम बिहार से संबंध बढ़ाने को लेकर रखी गई। बिहार दिवस पर हम अपने अतीत और वर्तमान को भले ही याद कर रहे हैं, एक बिहार दिवस 7 समुद्र पार इंग्लैंड में भी मनाया गया जिसकी थीम थी बिहार और बिहारियों से
अपने संबंध को और आगे बढ़ाना। ये तस्वीरें स्कॉटलैंड में मनाए गए बिहार दिवस की हैं, जहां भारतीय राजदूत वीके सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बिहार के लोग इसे गर्व की बात मान रहे हैं। बड़े गौरव की बात है कि जिस व्यक्ति का पुराना संबंध बिहार से रहा और वह आज स्कॉटलैंड में है और वहां होने के बाद बिहार को स्मरण किया और बिहार से मधुर संबंध बनाए रखने की जो इच्छा व्यक्त की, वह बिहार के गौरवशाली अतीत को स्मरण दिलाता है और वो हम लोगों के लिए गौरव के गौरवान्वित होने का हमें अवसर देता है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के स्कॉटलैंड में भी पटना नाम का एक छोटा सा शहर है, जिसका ताल्लुक बिहार की राजधानी पटना से है। दरअसल इंग्लैंड के पटना शहर का नाम रखने वाले विलियम फुलरटन थे, जिनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। विलियम के पिता ने 1744 से 1766 तक पटना में नौकरी की। उनका ज्यादातर वक्त पटना में ही बीता। बड़े होने पर फुलटन इंग्लैंड लौट गए। बिहार और खासकर पटना की यादें उनके जहन में बसी रहीं। फुलरटन ने अपनी कोयला खदान में काम करने वालों के लिए एक शहर बसाया, जिसका नाम पटना रखा गया, जिससे बचपन की यादें हमेशा ताजा रहीं। 17 मार्च को इंग्लैंड के पटना में बिहार दिवस मना तो दोनों पटना के लोगों के तार आपस में जुड़ गए। भाई, सात समुद्र पार बिहार दिवस मनाया गया, इतना भी अच्छा सारा व्यवस्था रहता है, सभी कुछ अच्छे हैं, तो अच्छा तो है। बिहार दिवस में तो सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है, अच्छा मनाया जा रहा है, अच्छी आती है कि अरे कम से कम हम बिहार में, हमारे बिहार के लिए तो लोग बाहर में मना रहे हैं, तो और इससे खुशी बात क्या है। 1802 में इंग्लैंड में छोटा सा पटना शहर बसाया गया। आज वहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। स्कॉटलैंड के पटना में मनाया गया बिहार दिवस हमें बिहारी होने की अनुभूति तो कराता ही है, साथ ही हमें अपने बिहार के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी पैदा करता है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।